CLAT 2025. If that's what you're preparing for, then you must be loaded with a lot of questions. कि यार शुरू कहाँ से करे, कौन से subject करे, कैसे करे, time table कैसे बनाना, strategize कैसे कर करना, वैसे कई सारे और questions. If that is what you're suffering from, then you, my friend, have landed in the perfect right video. Because today we'll be talking about the first step जहाँ से आपको शुरू करना चाहिए. Guess करो वो क्या है? It is this. नहीं समझे इट्स बेसिकली स्टार्टिंग विद मेंटल वर्क कभी भी अगर हम कोई बड़ी चीज़ अचीव करना चाहते हैं पहाड़ चढ़ना चाहते हैं स्टेज पे परफॉर्म करना चाहते हैं हम सबसे पहले अपने आप को और अपने दिमाग को मेंटली प्रिपेयर करते हैं सो so, जब हम क्लैक 2025 की एक साल की जर्नी करने वाले हैं देन वाई नॉट प्रिपेयर आर सेल्फ स्पोर्ट मेंटली दैट इज वॉट दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट एंड टूडे विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट दी रेगुलर टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज बट मोर ऑफ अ मेंटल वर्क जो आपके पूरी साल की तैयारी में आपके साथ रहे ट स्टेड आई वु इज टू स्टार्ट लाइकाम्पल मुझे कुछ बनना है कुछ करना है तो सोचकर चलना चाहूंगी अगर मुझे like अगर मुझे कोई प्रॉब्लम देखते हैं है, उसके सोल्यूशन में से देखूंगी मैं अपने सोचने का तरीका बोलने का तरीका समझने का तरीका हर एक चीज एक ब्यूरोक्रेट की नजर से जब करना शुरू करूंगी तो ऑटोमेटिकली मेरे अंदर वो चेंजेस आएंगे मेरे अंदर वो आपकी लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस लेके आएगा जो आपको पता भी नहीं चलेंगे बट इवेंचुअली यू वुट पीपल से दी वाइव ऑफ अर एंड दैट्स वॉट यू एक्चुअली वॉन्ट क्योंकि अगर आपको बनना है तो आपको वैसा बिहेव भी करना पड़ेगा

होती है लॉजिकली सोचने का तरीका बेटर होता है क्वॉंटिटेटिव एप्टीट्यूड से आपकी जो फास्ट एप्टीट्यूड है वो और अच्छी होती है कैलकुलेशन एक्चुअली बहुत मदद करते हैं यू नो लॉजिकली और एनालिटिकली सोचने के लिए एंड देन इंग्लिश इंग्लिश से तो एनी वेज आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए वोकेबुलरी बेटर होती है आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स बेटर होता है सो ऑल दीज फाइव सब्जेक्ट्स विच आर पार्ट ऑफ योर सिलेबस आर दी परफेक्ट इंग फॉर मेकिंग यूर लॉयर एंड वेन यू सी दैट यू विल स्टार्ट टू लर्न बेटर यू विल स्टार्ट टू एंजॉय

कंसिस्टेंट नहीं हो सकते हैं वे आर ह्यूमन्स हम हमेशा 100% परसेंट कैपेसिटी पे काम नहीं कर सकते हम रोबोट्स नहीं हैं तो इस बात को सबसे पहले एड्रेस कर लो कि हाँ बैड डेज आएंगे, इनकन्सिस्टेंसी वाला दिन आएगा जिस दिन ना मॉक सॉल्व करना है ना क्लास जाना है ना पढ़ाई करना है कुछ नहीं करना है सिर्फ पढ़े रहना है ऐसे वाले दिन आएंगे तो इसी दिन आपको ये वाला पॉइंट याद करना है कि जिस भी दिन सारी चीज़ें अच्छी होती है उस दिन सारी चीज़ें करना भी इजी होता है इट इज़ ऑन डेज लाइक डेज जो लो होते हैं जो सैड होते हैं जिस दिन हम वो नहीं कर पाते हैं इट इज़ डेज लाइक डीज दैट विल एक्चुअली डिफाइन योर सक्सेस क्योंकि बाकी दिनों में करना तो ईजी ही होता है वो तो कर ही रहे हैं बाकी भी कर रहे हैं बट जब आप अच्छा फील नहीं कर पा रहे कर रहे हैं या अच्छा नहीं चल रहा है सब उस दिन जब आप काम करते हैं इट इज़ डेज लाइक डीज दैट इज़ गोइंग टू डिफाइन योर सक्सेस So my advice would be to embrace and understand the reality that yes, I'll be inconsistent, but I still have to make it, I still have to be disciplined because those are the days that way make your way. थर्ड आई वुड वॉन्ट यू टू एड्रेस दी रियालिटी जो सच है वो ये है कि आप चाहे कितना भी प्रिपेयर करो एक साल करो दो साल करो एक महीना करो छः महीना करो या हफ्ते भर करो एक्चुअली जो डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है वो प्रिपरेशन टाइम नहीं वो आपके वो 120 मिनट होने वाले हैं जो एग्जाम हॉल में होंगे और वो 100 परसेंट बहुत स्ट्रेसफुल होता है बहुत सारी चीज़ें हम फील कर रहे होते हैं एक साल आसपास बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं लगता है कि इतना कॉम्पिटिशन मैं कर पाऊंगा या नहीं एक क्वेश्चन जिसमें हम श्योर होते हैं उसमें भी अपने आप को डबल डाउट करते हैं से बहुत सारी सिचुएशन आती हैं। तो जब आप वहां उस एक मिनट में स्ट्रेसफुल हो जाए या एंशियस हो जाए आप समझ लेना कि आपकी प्रिपरेशन में कुछ ना कुछ कमी रह गई है तो इसलिए मैं चाहूंगी कि उस 120 मिनट के लिए आज से ही अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू करो कभी भी रियल लाइफ सिचुएशन में हम कुछ ऐसे एंजाइटी वाले सिचुएशन या स्ट्रेसफुल सिचुएशन को देखते हैं उसे हैंडल करने का तरीका बदलना पड़ेगा ताकि आप उस 120 मिनट के वक्त के लिए अपने आप को रेडी कर सके इसके लिए आप एग्जाम हॉल में जाके यू नो मॉक पेपर दे सकते हैं या फिर ऐसी कुछ चीज़ें और अपने आप को यू नो एनरोल कर सकते हैं जिसमें आप उस स्ट्रेस को फेस कर सके और उसे टैकल कर सके बिकॉज इफ़ यू

कहीं ये मत सोचना कि आपके किसी रिलेटिव ने किया है इसलिए आप कर रहे हैं आपके पेरेंट्स ने कहा है इसलिए आप कर रहे हैं किसी और इंफ्लुएंशियल पर्सन ने कहा है इसलिए आप कर रहे हैं कभी भी अगर हम कोई चेंज लाना चाहते हैं और अगर उसमें एक्सटर्नल रीजन अटैच होता है तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस कही आता ही है कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन करोगे अपने आप को कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ है ना तो अगर आप उस पोजिशन में अपने आप को नहीं पहुंचाना चाहते हैं देन मेक श्योर दैट द चेंज दैट अबाउट टू मेक बिकॉज ऑफ यू अपने मन से जब आप चीजों को करते हैं तो आप हंड्रेड परसेंट लगाते हैं बहुत सारे पोटेंशियल के साथ आते हैं बहुत सारे नए तरीके ढूंढते हैं जिससे आप उन चीजों को अचीव कर सकें। तो ये तभी आता है जब आपका खुद का मन हो खुद की मर्जी हो खुद की वजह से हो डू इट बिकॉज है वो ये, ये तो मानिए मेरी इस बात को. कोई भी चीज अगर हम कर रहे होते उसे पूरे मन से तो जरूर करना होता है लेकिन इस बात पर नहीं टिके रहना है कि फल मिलेगा तभी यह चीज जो है काम आएगी हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं फल मिल मिलना नहीं मिलना, वो हमारे हाथ में नहीं वो हमारे हाथ के बाहर की चीज है इट इज बियॉन्ड कंट्रोल ऑल्सो इस बात को भी आप बाद में कभी ना कभी रियलाइज जरूर करिए कि आज जो भी हम प्रिपेयर कर रहे हैं जिस भी चीज की मेहनत कर रहे भले अगर वो इस एग्जाम में ना काम आए बट वो आपको लाइफ में कभी ना कभी काम आएगी

ने से पहलेट ऑन ट्वेंटीड नाउ इस कोर्स में आपको ऐसे फिलोसफिकल क्लास के अलावा ऐसे मेंटल वर्क के अलावा भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी टिप्स एंड ट्रिक्स हो गए लाइव सेशन्स हो गए सब्जेक्ट का नॉलेज हो गया मॉक्स हो गए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं दैट कैन एक्चुअली हेल्प यू इन योर ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव का जर्नी सो इफ यू थिंक दिस कोर्स इज गोइंग टू बी हेल्पफुल टू यू क्लिक ऑन द लिंक जो नीचे दिया गया है आप ऑफर पेज में जाके अच्छे से चेक कर सकते हैं इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन ऑल्सो मील एट सपोर्ट एट द रेट पिनोलॉजी डॉट इन एंड यू कैन एंडरोल्फ टू आर कोर्स ऑन प्लेट इनजी ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव टिल देन कीप लर्निंग एंड आई सी इन द नेक्स्ट वन